नमस्कार, एस्ट्रो फार्मेसी बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष एक और नई कंप्लीट पाम के एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम इस हाथ के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करके जानेंगे कि ये हाथ क्या कहता है, इनके हाथ में क्या, किस उम्र में क्या चीज़ घटित हुई है, इनके जीवन में कितनी सक्सेस मिली है, हाथ में पैसे की स्थिति क्या रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में हाथ में इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे। साथ ही एक मोटा मोटा तौर से आप बता दूं कि जितनी भी येलो लाइंस आपको हाथ में दिखाई दे रही हैं, आप अपने हाथ में मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार का ट्रायंगल बनना, फिश का सिंबल बनना, आपकी जीवन रेखा के मध्य से कोई लाइन को ऊपर जाना, फेट लाइन का मस्तिष्क रेखा पर तक पहुंचना और फिर उसके बाद फिर जगह छोड़कर ऊपर जाना, साथ ही शनि पर अथवा मल्टीपल लाइंस में फेट लाइंस का बदलना, ये पॉजिटिव साइंस है हाथ में, ठीक है। ये आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन। साथ ही इनके जो ऑरेंज साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सूर्य पर अथवा विचलित साइन, आपके फिश सिंबल, आई सिंबल ओपन होना अंगूठे पर, और आपकी ये मंगल प्रभावी रेखा, इस तरह की लाइन्स है, ये नेगेटिव साइंस है। तो लास्ट तक रुके रहें और जानने के लिए वेट कीजिए कि इन साइंस का क्या मतलब होता है। साथ ही इस वीडियो में बाद में हम भाग्य रेखा के बारे में डीप एनालिसिस भी करने वाले हैं कि भाग्य रेखा, एक तो मैंने ये चर्चा कर दी कि शॉर्ट भाग्य रेखा जो कि मस्तिष्क रेखा पे ही आपकी यदि भाग्य रेखा समाप्त हो रही है उसका क्या तात्पर्य है। साथ ही मैंने सेकंड प्रिंट आउट में इसके बारे में और जानकारी प्राप्त जानकारी देने के लिए आपको विचार बनाया है कि जिसमें हम जानेंगे कि दो मुही भाग्य रेखा, नीचे से दो मुही भाग्य रेखा क्या क्या मतलब है, ऊपर से दो मुही और तीन मुही भाग्य रेखा का क्या मतलब है, भाग्य रेखा का सिंपल केंद्र चंद्र पृथ्वी से आने का क्या मतलब है, साथ ही भाग्य रेखा के पैरेलली चलने वाली भाग्य एक और रेखा का क्या मतलब है, साथ ही आपके जीवन रेखा के मस्तिष्क बीच में से निकल के ऊपर की ओर जाने वाली भाग्य रेखा का क्या मतलब है। तो ये सारी भाग्य रेखाओं के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ पहले इनके पाम का एनालिसिस करने से, और आपको डायरेक्ट अगर भाग्य रेखा के बारे में ही जानना है कि आपकी किस प्रकार की भाग्य रेखा है उसके बारे में जानना है, उसका क्या नतीजे होते हैं, क्योंकि भाग्य मतलब लक। आपके भाग्य हम हाथ में देखते क्या, भाग्य को ही तो जान रहे हैं, भाग्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान लिया हुआ है, इसलिए भाग्य को जानना ही सबका उद्देश्य है, इतना मैं जानता हूँ। तो भाग्य रेखा को जानना और समझना अति आवश्यक है। तो यदि आपको डायरेक्ट भाग्य रेखा के बारे में जानना है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, भाग्य रेखा वाले पोर्शन पर जाके अपने अपनी भाग्य रेखा को प्लान कर सकते हैं। साथ ही जिसे सीखना है कि हाथ देखा कैसे जाता है तो उसकी ये वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम इस हाथ में हम एनालिसिस करेंगे इनके हाथ में इनकी उंगलियों की लंबाई से। अगर आप इनकी उंगलियों की लंबाई देखेंगे तो इनकी उंगलियों की लंबाई इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज की, उंगलियों की लंबाई छोटी है, पाम की लंबाई बड़ी है। ऐसी स्थिति में इनके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट रहेगी, ये जीवन में जल्दी निर्णय लेके आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब कह सकते हैं अगर किसी ने ना टाइम दे दिया तो ये टाइम से पहले पहुंच के उसके लिए इतना एक्साइटेड हो जाएंगे, जल्दी हो जाए चीज़ जल्दी हो जाए। साथ ही किसी भी डिसीजन में ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, हाँ या ना करके आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। दूसरी चीज़, इनकी फिंगर्स पर आप देखेंगे बारीक बारीक हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस इनके उंगलियों पर खड़ी हो रही हैं। ये इनके अंदर एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती है कि बहुत जल्द किसी माहौल किसी नेचर में ढल जाना, घुल मिल जाना, एडजस्ट होने की कैपेसिटी बताता है। तीसरी चीज़, इनकी लिटिल फिंगर की लेंथ है वो इनकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही है, कम्युनिकेशन गैप रहेगा इनके अंदर, वीकनेस रहेगी पब्लिक स्पीकिंग में, मंच पर बोलते समय, भीड़ में बोलते समय, यदि इन्हें खड़ा कर दिया जाए तो हेजिटेशन के मारे परेशान हो जाएंगे। साथ ही मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर वीक रहेगी, किस स्थिति में, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, काम को आगे टालने बढ़ाने की हैबिट भी रहेगी, इधर से इनका थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन हैबिट भी देखी जाती है। अगली बात की जाए इनके लिटिल फिंगर के नीचे का जो पोर्शन है बुध पर्वत, बुध इनका बड़ा एरिया लिया हुआ है, जितना बड़ा बुध एरिया लिया हुआ होगा उतना ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज अच्छी होंगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। बुध पर जो बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये इनके अंदर सेल्स मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी देंगी, परंतु भीड़ में या फिर मंच पर नहीं, यानी क्योंकि भीड़ और मंच की स्थिति यहाँ से खराब हो गई, परंतु व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन की बात की जाए, बोलने की बात की जाए, लोगों को कन्वेंस करने की बात की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अपनी बातों में लेना इन्हें अच्छा आता है। मतलब दिमाग और स्किल्स तो बहुत अच्छी है, परंतु भीड़ में वो चीज़ सकपकाहट और हेजिटेशन के कारण रह जाती है। अब बात करते हैं इनके पहले नेगेटिव पॉइंट के बारे में, इनके सूर्य पर्वत को यदि आप देखेंगे, सूर्य पर्वत पर इनकी जो मल्टीपल ऐसे टूटती टूटती लाइन जा रही है, कोई भी एक स्ट्रेट और लंबी लाइन नहीं बन रही है। जब सूर्य पर ऐसी अत्यधिक रेखाएं बनती हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन में काम बहुत बदलता है, किसी भी एक काम पर कंसिस्टेंट होकर और गोल फोकस्ड होकर वर्क नहीं कर पाता, भटकाव की स्थिति बहुत उत्पन्न होती है। साथ ही ये जो ऐसी रेखाएं हैं ये सेटिस्फाई नहीं होने देते, मन में विचलता रखते हैं, थोड़ा सा ऐसी स्थिति में घर में भी पिताजी से अनबन की स्थिति, पिताजी से विचार नहीं मिलते, क्लेश नहीं होगा परंतु विचारों का मतभेद रहेगा, पिताजी कुछ करवाना चाहेंगे, बच्चा कुछ करेगा, क्योंकि ये भटकाव है ना, तो भटकाव को सूचित करता है। इसलिए ऐसी स्थिति अगर आपके हाथ में बनी तो सूर्य को मजबूत करें सबसे पहली चीज़, करियर में ग्रोथिंग तभी मिलेगी जब सूर्य प्रबल होंगे, वही आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी एंड समृद्धि देंगे।
अगली बात करें इनके सूर्य पर्वत के बीच में से लाइन भी आ रही है, जो कि जिसे हम पैतृक संपत्ति की रेखा कहते हैं। सूर्य बुद्ध के बीच में से आने वाली लाइन पैतृक संपत्ति के बारे में बताते हैं कि इन्हें एक संपन्न परिवार से रहेंगे जिनके फैमिली प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है। अब बात करें इनके शनि पर्वत के बारे में, मिडिल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन है शनि पर्वत। शनि पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रही, बस शनि पर इनकी जो भाग्य रेखा आई है वो मल्टीपल पोर्शंस में मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो रही है। ठीक है, भाग्य रेखा के बारे में तो मैं आगे सीधे बात चालू करूंगा, परंतु अभी इधर बात करें शनि पोर्शन पर भाग्य रेखा क्या प्रभाव है, क्योंकि शनि पोर्शन पर आके ये भाग्य रेखा दो से तीन भागों में बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे, किसी भी एक काम पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो तो यहाँ से ही पता चल रहा है। परंतु इधर ये पॉजिटिव हो गया कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, छोटे छोटे कई हिस्सों में पैसा की आमदनी ये जनरेट करेंगे, एक चीज पे डिपेंड होकर अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। साथ ही बात करें शनि और गुरु पर्वत के मध्य में ये फिश का जो सिंबल बन रहा है, ये फिश का सिंबल बड़ा ही अद्भुत सिंबल है। ये मनुष्य के अंदर इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर को जनरेट करता है। इन्हें आभास बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज़, किसी भी घटना के होने का पहले से आभास और संकेत हो जाना। अब बात करें इनकी हार्ट लाइन को जानना आवश्यक है। हार्ट लाइन बिल्कुल निष्पक्ष है, किसी प्रकार की वेन्स वगैरह नहीं निकलनी, एक स्ट्रेट हार्ट लाइन जा रही है जो कि आगे से जाके टू पार्ट्स में, तो यहाँ डिवाइडेड हो रही है, आगे जाके फिर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये जो आंतरिक मंगल तक ये भाग्य रेखा, इनकी जो हृदय रेखा है वो आ रही है, ऐसी स्थिति में तो मनुष्य थोड़ा सा भावुक स्वभाव का हो जाता है। यदि किसी के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड होता है, तो पूर्णता हो जाता है। ये टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड हो रही है, ऐसी स्थिति में मनुष्य थोड़ा सा भावुक स्वभाव का होता है। आप भी अपने हाथ में देखेंगे, अक्सरकार ऐसी रेखा माँ के हाथ में देखी जाती है, क्योंकि माँ एक ऐसी लेडी होती हैं जो कि बहुत अफेक्शन से भरी हुई होती हैं, मोह, लाड़, प्यार, ऐसे भाव उनके अंदर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनके हाथ में, आप अपने माँ के हाथ में जाके देखिएगा, उनके हाथ में भी 90% तक माँ के हाथ में इस प्रकार से आगे से रेखा होगी, भारतीय रेखा, जो कि दो से तीन भागों में बट रही होगी। ऐसी स्थिति में भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा पिघले हुए व्यक्ति होते हैं। ऐसी स्थिति में लोग यदि किसी के लिए समर्पित या डेडिकेटेड होते हैं तो पूर्णता हो जाते हैं, जिसका सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाने का भी प्रयास कर जाता है। ऐसी स्थिति में सेल्फ अवेयरनेस रहना इनको अति आवश्यक है। यदि किसी के लिए समर्पित या डेडिकेटेड हो भी रहे तो उतना हो जितना सामने वाले के लिए करके भूल सकें, वरना सामने वाले की तरफ से रिवर्ट आना मुश्किल होता है। अब बात करें इनके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, फिर से बात की जाए। ये हैं जो ऑरेंज लाइंस आपको देख रही हैं, इन्हें कहते हैं राहु रेखाएं, और जीवन के जिस अंश को ये राहु रेखाएं कट करती हैं वो अंश में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब राहु रेखा जितनी लंबी होती जाएगी उतना ज़्यादा समस्या बढ़ती जाएगी। अभी इनकी अगर स्थिति में देखा जाए तो देखिए समृद्ध परिवार से हैं, बैकअप अच्छा है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं, परंतु मेंटली प्रेशर इन्होंने बहुत बियर किया, जो कि हम समझते हैं किस किस प्रकार का हुआ है। ये जो इनकी शुरुआती पीरियड से जो राहु रेखाएं निकल रही हैं, इसे भी राहु रेखा के अंतर्गत में ही कंसीडर किया जाता है। जब जीवन रेखा से देखेंगे तो राहु रेखा, यहाँ से देखेंगे तो मोह की रेखा, मोह ममता की रेखा। तो जब जो यहाँ से स्थिति चालू हुई है, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती पीरियड यहाँ तक का था, 1617 से लेके 21 तक का पीरियड। ये 1617 से 21 तक का पीरियड रहा है इनका एजुकेशन पीरियड, जिसमें इनकी मनचाही स्टडीज़ नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई में भटका हुआ रहा है, जो चीज़ करना चाहते थे उस चीज़ को ये प्राप्त नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़े हैं, फिर ये दो तीन साल ठीक निकली है, 22-23 तक चीज़ें इनकी ठीक निकली, फिर 23 पे इनकी राहु रेखा कट कर रही है। 23 की उम्र पे कट करने वाली राहु रेखा फिर इन्हें मेंटली प्रेशर और तनाव की स्थिति उत्पन्न करवाई है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी रेखाएं कट कर रही हैं, जो कि 25 तक का समय बताते हैं, 24 और 25 का। ये एक ऐसा समय निकला है कि कुछ ना कुछ करते रहे हैं, परंतु उस काम में इन्हें संतुष्टि मिली। फिर इनका ये पीरियड बन रहा है, वो इनका है 26 का पीरियड। 26 के पीरियड में इनके आंतरिक मंगल से एक रेखा निकल कर, ये जो रेखा मैंने शॉर्ट बताई है, ये इनकी अगर बारीकी से आप देखेंगे तो यहाँ से निकलकर इनके बुद्ध तक पहुँच रही है, बुद्ध पर्वत तक। ये जो रेखा है ये इन्हें थोड़ा सा उस टाइम पे 26 के पीरियड में किसी अपने किसी करीबी से धोखा, अलगाव, बिछड़ाव की स्थिति को उत्पन्न करवाया, जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर, ट्रॉमा दिया, जिस ट्रॉमा से इन्हें लगभग 1-2 साल ग्रसित रहना पड़ा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 26 में ट्रॉमा, 28 तक का प्रेशर, उसके बाद 28 से लेके 31-32 तक की उम्र तक इनको कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। तो 28 से लेके 31-32 तक इनकी चीज़ें कांस्टेंट चली, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरा, वो इनका पीरियड था जॉब पीरियड, जिसमें इन्हें एक सेटल जॉब मिली है। ठीक है, इनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, वो इनका पीरियड रहा है 32-33 का पीरियड, जिसमें इन्हें करियर में ग्रोथिंग हुई है, क्योंकि इनकी विवाह थोड़ा सा लेट हुआ है ना, और 32-33 में इनकी जो लाइफ चेंजिंग ग्रोथिंग हुई है वो इधर से डिपेंड करता है। 32 के बाद जो इन्हें करियर में ग्रोथ किया, उसके बाद पैसा अच्छा कमाया, व्यापार की तरफ थोड़ा सा इनका रुझान आया। ठीक है, इनके 32-33 में करियर में जो ग्रोथिंग आई है वो देखिए, यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी लाइन आगे बढ़ती हुई ऊपर जा रही है, जो कि मस्तिष्क सिरे पर रुक गई है। ये अपॉर्चुनिटी लाइन जो करियर में ग्रोथिंग दिखा रही है, यहीं से 32 के बाद जो इनके गोल्डन पीरियड चालू हुआ है, उसी में 32 से लेके 38-39 के बीच में इनने प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी किया और खुद की प्रॉपर्टी भी बनाई। इतना बड़ा ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन बनना,
रियल एस्टेट से रिलेटेड कामों में भी सफलता दिलवाता है, और साथ ही उस पीरियड में आप अगर खुद की प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास करते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और यही 32 से 38 का पीरियड एक लकी पीरियड है, जो कि यहाँ से ही पता चलता है कि इनके विकास वृद्धि जितनी भी हुई है 32-33 में हुई, वो भाग्य रेखा से देखी। इनकी जो भाग्य रेखा है मध्य से चालू हुई है, मध्य से चालू हुई कि इनकी भाग्य रेखा पहले तो इनकी मस्तिष्क रेखा के पर आके रुक गई है, ठीक है। फिर इनकी भाग्य रेखा फिर बैकअप से लेके मतलब पीछे से एक लाइन और निकल के ऊपर की ओर जाती है, ये इनकी सेकंड मतलब कह सकते हैं जोड़ी में इनकी मस्तिष्क रेखा निकल रही, जो कि दूसरी इनके टुकड़ा है वो इनका पहले से चालू हो गया। यहाँ से होता तो मस्तिष्क अगर यहीं से टूट के यहाँ से चालू होकर ऊपर जाता तो 35 की उम्र में सफलता मिलती, बड़ी वृद्धि और समृद्धि होती, समय बदलता। परंतु इनकी और पहले से चालू हो गए तो इधर पे 32 की उम्र में इनको समृद्धि वृद्धि सफलता मिली है, बड़ी करियर में ग्रोथिंग मिली है, ये इस चीज़ का साइन है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पे आके भाग्य रेखा टूट रही है उससे पहले या फिर उसके बाद ऊपर बढ़ रही है, तो ऊपर बाद में बढ़ी तो 35 के बाद, और पहले से ही अगर एक और दूसरी रेखा बन के नीचे से निर्माण होकर ऊपर की जा रही है तो 35 से पहले बड़ी जीवन में सफलता वृद्धि मिलती है। वो इंसान के जीवन का गोल्डन पीरियड जैसे हम कहते हैं ना, जिसमें लाइफ चेंज हुई है, रातों रात दिन बदले, वो इनका पीरियड ये था। तो ये हुआ इनका 32 के बाद इनके लाइफ में चेंजेस आने के साइन। और 32 के बाद चेंजेस कैसे आए, इतनी सफलता वृद्धि प्राप्त करी कि प्रॉपर्टी संबंधित काम में फ़ायदा भी उठाए हैं, और साथ ही इनके ये लाइफ में चेंजेस आए हैं कैसे कि इस पीरियड में इन्हें प्रॉपर्टी भी बनाई है। इनके हाथ में एक और चीज़ है, आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन, जैसे भी हम लक लाइन ही कहते हैं, भाग्य रेखा ही कहते हैं, अगर भाग्य रेखा के पैरेलली एक और लाइन आपकी चंद्रमा से निकल कर आती है, वो सीधे ऊपर भी जा सकती है, सूर्य पे भी जा सकती है, शनि पे भी जा सकती है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है आफ्टर मैरिज, इसे कहते हैं आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन, होती तो लक लाइन ही है परंतु विवाह रेखा भाग्य रेखा के पहले ही एक और चले तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद जीवन में समृद्धि वृद्धि ज़्यादा बढ़ती है। तो इनका विवाह भी लगभग 31-32 के आसपास में हुई, और वही पीरियड इनको जो तीन संकेत मिल रहे हैं, आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन, भाग्य रेखा का मस्तिष्क रेखा से पहले ही चालू हो जाना, और तीसरा ये अपॉर्चुनिटी लाइन को मिलना, ये तीनों साइन इस चीज़ के बारे में सूचित करते हैं कि 32 के बाद इनके करियर में उछाल और वृद्धि आई है, ठीक है। ये इनके हाथ का एनालिसिस है। साथ ही 32-33 के बाद एक और स्टेबिलिटी के साइन, जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी, मैंने लिखा हुआ है ना, स्टेबिलिटी साइन क्यों है ये, अगर जीवन रेखा के लास्ट में आपके फिश का सिंबल बनता है, जो कि ये प्रॉपरली फिश का केतु साइन बन रहा है, इसे केतु साइन भी कहते हैं, यदि ये केतु साइन बनता है तो ऐसी स्थिति में जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथिंग अच्छी आती है, जीवन की जो मूल आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान घर की व्यवस्था, इन सबको पूर्ति करने के लिए मनुष्य सक्षम और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोबारा से इनके नेगेटिव साइन क्या है, ये तो स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथिंग वृद्धि के साइन है, परंतु इसी के साथ साथ जितनी आसान चीज़ें दिखाई दे रही हैं उतनी आसान है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर साथ में बैठे होंगे मंगल का प्रभावी होना। ये मंगल प्रभावी रेखा, इनको सफलता तो मिल रही है अभी भी, परंतु इनकी सफलता 60-70% ही है, क्योंकि इनने अपने मंगल को सही नहीं किया, इसलिए ये अभी भी थोड़ा सा जितनी सफलता मिलनी चाहिए, जितनी ग्रोथिंग होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही, अड़चने अभी भी आती, क्यों, क्योंकि ये अगर मंगल प्रभावी रेखा, इसके लिए आपने मंगल को सही नहीं किया तो आप जितनी तरक्की वृद्धि कर लें, आप पहली चीज़ तो पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, पैसा किसी किसी अमांगलिक कार्यों में लगता रहेगा और पैसा खर्च होता रहेगा, क्योंकि ये जो आपके अंगूठे बनने वाला यज्ञ का चिन्ह है, जो कि खुला हुआ है, ओपन है, एक साइड इसकी ओपन है, ऐसी स्थिति में मनुष्य पैसा कमाएगा तो ठीक ठाक, परंतु पैसा रोक नहीं पाएगा, जिस स्पीड से पैसा आएगा उसी स्पीड से, दुगनी स्पीड से पैसा हाथ से निकल भी जाएगा, ये इस चीज़ का साइन है। तो इसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आपको पैसे को रोकने के लिए सेपरेट उपाय करने चाहिए, आप हमसे जाके, हमारी नंबर दिया जा रहा है उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप उपाय और अपनी कंसल्टेशन करवा सकते हैं। साथ ही ये मंगल को विशेष रूप से, अगर ये लाइन है तो मैं ये कहूँगा कि मनुष्य आत्मकोश ध्यान दे चाहे नहीं दे, अगर ये मंगल प्रभावी रेखा बन रही है तो जीवन में समृद्धि वृद्धि आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये मंगल प्रभावी रेखा का कार्य है अपने किसी भी जीवन में होने वाले मांगलिक कार्य में रुकावटें उत्पन्न करना। ऐसी स्थिति में मनुष्य जिस भी काम में हाथ डालेगा उस काम में बनते बनते काम लास्ट टाइम पर रुक जाना, पलट जाना, बदल जाना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ये मंगल के प्रभावी होने के कारण। साथ ही स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आजकल मोस्ट प्रोबेबली व्यक्तियों के पेट से संबंधित दिक्कतें चलती हैं, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसका मूल कारण भी मंगल का प्रभावी होना है। तो इसलिए मंगल को बैलेंस कीजिए। मंगल को बैलेंस करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करके आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा, आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी कैसे आप अपने क्या उपाय करने से आपको मंगल का प्रभावीपन से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बात की जाए आपके जीवन रेखा के बारे में, तो जीवन रेखा यहाँ से आपको 35-36 के बाद इन्हें जीवन में इतनी स्टेबिलिटी मिल गई, क्योंकि फिश का फॉर्मेशन उसके बाद लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथिंग दिखाई देगी, 38 के बाद इनको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं, मूल आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए स्टेबिलिटी इतनी मिल गई कि जीवन यापन अच्छा चलता रहेगा, परंतु हाथ में पैसा जुड़ेगा नहीं, तो पैसे को जोड़ना आवश्यक है, तो पैसे को जोड़ने के लिए इन्हें उपाय करने आवश्यक है, जो कि इन्हें बताया गया है।
अब बात की जाए जीवन की, बात की जाए तो उम्र की इतनी है तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्रिक्वेंटली इनकी लाइन चलती जा रही है, कोई भी कट पिट के निशान नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा हो ना निरोगी काया से इंसान जीवन यापन करता है, तो वो स्थिति इनके हाथ में लगभग 65 से 70 की उम्र तक इन्हें कोई मेजर हार्ट अटैक या फिर कोई भी मेजर डिसीज होने के कोई चांसेस नहीं है। एक सुखद और अच्छा जीवन यापन इनका रहेगा। तो ये इनकी एक हाथ की एक मैंने मेजर चीज़ों को कंसीडर किया है। बाकी पर्सनल एनालिसिस जब होता है तो उसमें सारी बारीकियों को देखा जाता है, सारे पर्वतों की बात की जाती है, परंतु ये मैंने आपको रेखाओं के द्वारा इनके हाथ से क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा के बारे में सेपरेट बात करना है हमें, कि भाग्य रेखा दो मुंह ही भाग्य रेखा, तीन मुंह ही भाग्य रेखा, नीचे से दो मुंह ही भाग्य रेखा, आपके चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा, आपके जीवन रेखा के मध्य से निकलने वाली भाग्य रेखा का क्या मतलब है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सभी के हाथ में निश्चित रूप से अलग अलग भाग्य रेखाएं रहती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेपरेटली भाग्य रेखा के बारे में। देखिए इसमें मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा ये होती है वह रेखा जो कि आपकी शनि पर्वत तक सीधी पहुंचने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। अब भाग्य रेखा कई प्रकार की हो सकती है, ऐसी स्थिति में देखिए सबसे पहले हम बात चालू करते हैं, यदि आपकी भाग्य रेखा चाहे यहाँ से चालू हो, जीवन रेखा के मध्य से चालू हो, चाहे बीच से चालू हो, चाहे चंद्रमा से चालू हो, अगर वो शनि पर्वत पर जाकर त्रिकोण की आकृति बनाती है, तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, त्रिशूल की आकृति बनाती है, तो दो चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। त्रिशूल की आकृति पहली चीज़ को बताती है आप जीवन में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के इनकम को जनरेट करेंगे, परंतु इनकम सोर्सेज एक ही रास्ते से डेवलप होंगे अलग अलग तरीके से। एग्जांपल के तौर पे यदि मेरी ये कंसल्टिंग फर्म चल रही है, इसी से मैं मेरे हो सकता है कह सकते हैं ऑनलाइन भी इनकम आए, उसके अलावा कंसल्टेशन का पैसा आए, उसके अलावा अदर सोर्सेज, तो एक सोर्सेज से की दम पर जैसे ये कंसल्टिंग मैंने बेस बना लिया, इसके दम पर अलग अलग कामों को स्थापित करना, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे। वहीं पर यदि आपकी शनि पर्वत पर भाग्य रेखा के पैरेलली कुछ लाइन चलें, त्रिशूल वगैरह की आकृति ना बने, तो ऐसी स्थिति में जीवन में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों से मनुष्य ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य एक जॉब कर रहा है, साथ ही छोटा मोटा कोई बिजनेस चला रहा है, साथ ही छोटा मोटा कोई शेयर मार्केट वगैरह में पैसा निवेश करके पैसा बना रहा है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग क्षेत्र होगा, अलग अलग क्षेत्र से पैसा कमा रहे हैं। अगर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो अलग अलग क्षेत्रों से, और आपकी त्रिशूल की आकृति है तो एक ही क्षेत्र से अलग अलग सोर्सेज से पैसे बनाना। साथ ही त्रिशूल की आकृति आपको शिव जी की भक्ति आराधना के लिए भी आपको मोहित करेगी, ऐसी स्थिति में आंख बंद करके आपको शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, आपको जीवन सफलता और वृद्धि के रास्ते वहीं से खुलेंगे। अब बात करें अगर आपकी जीवन रेखा चालू कहां से हो रही है, ठीक है, अगर आपकी जीवन रेखा आपकी भाग्य रेखा चालू कहां से हो रही है, अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा के मध्य में से चालू होकर ऊपर जा रही है, अगर मनुष्य की भाग्य रेखा जीवन रेखा के मध्य में से चालू होकर ऊपर जा रही है, जैसे कि ये जा रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कुछ भी बैकअप में नहीं मिलता, ना पैसा, ना समृद्धि, ना वृद्धि, ना पैसा फैमिली का नाम। ऐसी स्थिति में 0 से लेके 100 तक की जो भी उसका सफ़र है वो स्वयं के दम पर ही मनुष्य संपन्न करता है। अब बात की जाए ऐसी स्थिति हो कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट भाग्य रेखा बन रही है, बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा बन रही है ना, ना नीचे से बट रही है, ना कहीं चंद्रमा से चालू हो रही है, एक सीधी भाग्य रेखा है आपकी, रुपया के त्रिशूल भी बना सकती है, स्ट्रेट भी रह सकती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि मनुष्य को एक गाइडेंस बहुत अच्छा मिला है फैमिली का, उसका कोई मेंटोर होने का, जिसके गाइडेंस की दम पर वो आगे बढ़ते हुए एक बड़ी सफलता और वृद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे कि आज की डेट में जो IIT NIT या फिर नीट क्वालिफाई करके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर किसी मेंटोर के अंतर्गत में 8th और 9th क्लास से ही पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, एक रास्ता पकड़ लेते हैं अच्छे कॉलेज से हायर एजुकेशन प्राप्त करके हायर जॉब पे जो है उनके हाथ में 90% लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा देखी जाएगी, या फिर उनके हाथ में चंद्र पर्वत से चालू होकर ऊपर की ओर जाने वाली एक निष्पक्ष रेखा देखी जाएगी, मतलब उसके साथ कोई वेन्स वगैरह कनेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि चंद्र पर्वत से चालू होकर जाने वाली का कारण यह है क्योंकि ऐसी स्थिति में 90% लोग जन्म स्थान को छोड़ते हैं, जन्म स्थान से दूर जाके ही समृद्धि वृद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में फॉरेन तक जाने के चांसेस रहते हैं। तो चंद्रमा से चालू होकर जाने वाली ऊपर की ओर रेखा भाग्य रेखा आपको फॉरेन कनेक्टिविटी बताती है, आपको जन्म स्थान से दूर सफलता तरक्की दिलवाती है, और साथ ही स्ट्रेट जाने वाली रेखा उससे अगर कोई रेखा निकलकर दो मुंह ही होके है ना, आपकी अगर भाग्य रेखा स्ट्रेट जा रही है परंतु उसमें से कोई रेखा निकलकर बाहर की ओर जा रही है चंद्रमा की ओर, तो ऐसी स्थिति में गाइडेंस मेंटोर की सहायता से आप आगे बढ़े सफलता की, और साथ ही सफलता प्राप्त करके जन्म स्थान से दूर चले गए। जन्म स्थान पर ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती, जन्म स्थान से दूर ही जीवन सफलता और तरक्की मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करी, भाग्य रेखा का शनि पर्वत पहुंच के त्रिशूल क्या करती, मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विथ वन सोर्स।
आपकी भाग्य रेखा का पैरेलली दो तीन लाइन खड़ा होना, ऐसी स्थिति मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद डिफरेंट सोर्सेज। साथ ही भाग्य रेखा का बिल्कुल सीधे आना, ऐसी स्थिति में किसी मेंटोर के गाइडेंस से जीवन में आगे बढ़ना और एक सफलता की ओर बढ़ जाना। ऐसी स्थिति में जब आपकी जीवन रेखा के मध्य से भाग्य रेखा ऊपर की ओर जाए, ऐसी स्थिति में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होना, किसी का भी बैकअप सपोर्ट नहीं मिलना। यदि जीवन रेखा आपकी भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकल कर चंद्र पर्वत, जिसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं, चंद्र पर्वत तक पहुंचे, ऐसी स्थिति में मनुष्य को सफलता प्राप्त होकर जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहीं के वहीं घूमता रहेगा, जन्म स्थान पर उसे सफलता और वृद्धि नहीं मिलेगी। यदि प्रॉपरली चंद्र पर्वत से ही रेखा जा रही, तो ऐसी स्थिति में भी मनुष्य को खुद के द्वारा सफलता प्राप्त होगी, खुद की मेहनत से चीजें प्राप्त करेंगे, परंतु जन्म स्थान से दूर जाके सफलता और वृद्धि प्राप्त होगी। और सबसे लास्ट में आपकी भाग्य रेखा के पैरेलली कोई आपके जीवन आपकी चंद्रमा से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रही है, जैसे कि ये हो गई भाग्य रेखा, इसके पैरेलली एक और लाइन चल रही है, इसे कहते हैं आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइन, है ना, यह है आफ्टर मैरिज ग्रोथ लाइन। ऐसी स्थिति में मनुष्य का भाग्योदय विवाह के बाद ही होगा, जितना आप अपने विवाह में विलंब करेंगे उतना ज़्यादा आपकी तरक्की में विलंब होता जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसी रेखा बन रही है तो विवाह में विलंब ज़्यादा नहीं करना, हाईएस्ट 28 तक आप शादी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा आप अगली वीडियो किस विषय में चाहते हैं, कि आपके हाथ में ऐसी कौन सी डिफरेंट चीज़ है। साथ ही यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस हमारे द्वारा करवाना है, तो वीडियो में चलता हुआ नंबर पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट पर आपका एनालिसिस हो जाएगा। धन्यवाद।